अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सा मार्बल केक बन रहा है जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेगा और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब बनता है। और ये देखें, मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये मार्बल केक बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक आपको मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बना है हमारा मार्बल केक, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सबसे पहले हम केक के लिए मोल्ड की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का मोल्ड ले लिया है। अब इसको मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। ये देखें अच्छे तरीके से मैं चारों तरफ से ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो उसकी जगह घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बटर पेपर रख दूँगी और बटर पेपर को भी मैं अच्छी तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह अपने मोल्ड में मैदा डालें और उसको चारों तरफ से कोट कर दें मैदे से। उससे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। ये देखें हमारा मोल्ड तैयार है। आइए अब केक के लिए बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसमें अब मैं 100 ग्राम मक्खन शामिल कर दूंगी। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है मक्खन, ये मैंने एक बाउल में डाल दिया। और इसमें अब मैं 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस के ऐड करूँगी और अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। 1 मिनट के लिए मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मक्खन में मैं 1.5 कप पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी। ये देखिए 1.5 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया चीनी। अब चीनी को भी मैं मक्खन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो रहे हैं मुझे इसको मिक्स करते हुए। अब इसमें मैं 3 अंडे शामिल कर दूंगी। आप जब भी बेकिंग करें तो अंडों को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही लिया करें। और अगर आप अंडे डालना नहीं चाहते तो उसकी जगह 1/2 कप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए अब मैं इसमें 2रा अंडा ऐड करूंगी, इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। और साथ ही इसमें मैं 3रा अंडा भी शामिल कर दूंगी, इसको भी मिक्स कर लूंगी। ये देखें अंडे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं एक छन्नी ले लूँगी। अब इसमें मैं 1.5 कप मैदा डाल दूँगी। ये देखें 1.5 कप मैदा डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैं 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी, 1/2 चाय का चम्मच इसमें डालूँगी मीठा सोडा और चुटकी भर इसमें मैं डालूंगी नमक की। अब इन चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से छान लूंगी। और मैं इसको भी मैदे को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बीटर से ही इसको मिक्स करें, आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 कप मैं दूध के भी शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी।
ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तमाम चीज़ें। अब मैं इसमें से आधा हिस्सा जो है वो मैं एक अलग बाउल में निकाल लूँगी। देखें बैटर का आधा हिस्सा मैं अलग बाउल में निकाल रही हूँ। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर एक छन्नी रखूँगी और एक खाने का चम्मच इसमें मैं कोको पाउडर का ऐड कर दूँगी। इसको भी अच्छी तरीके से छान लूँगी। और इसमें अब मैं 2 खाने के चम्मच दूध के ऐड कर दूंगी। बैटर में कोको पाउडर डालने की वजह से बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इस वजह से हमने ये दूध ऐड किया है ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बैलेंस रहे। तो ये इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा था इसमें मैं 1-1 चम्मच इस तरीके से बैटर डालती जाऊंगी। ये देखिए आप ऑल्टरनेट तरीके से मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से आप भी डालिएगा। उसके बाद अब मैं चॉकलेट वाला बैटर डालूंगी, वो भी इसी तरीके से ऑल्टरनेट तरीके से डाल रही हूँ। ये देखें इस तरीके से। अब दोबारा से मैं वाइट वाला बैटर लूँगी। इसको इस तरीके से डाल लूँगी। फिर से चॉकलेट वाले बैटर की बारी आई है, उसको भी मैं इसी तरीके से डाल लूँगी। अब ये देखें सारा बैटर कंप्लीट हो चुका है, मैंने डाल दिया। इसको अब मैं टैप कर लूँगी अच्छी तरीके से और उसके बाद किसी भी टूथपिक या स्टिक से मैं इस तरीके से उसके बीच में घुमा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आइए अब हम इसको बेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने भारी पैने वाला बर्तन लिया है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे प्रीहीट कर लिया था और अब इसमें मैं एक रैक रख दूंगी। आप चाहें तो किसी कोई भी स्टील का ढक्कन रख सकते हैं और उसमें ये केक वाला मोल्ड में रख दूंगी और इसको अब मैं ढक दूंगी और इसके ऊपर एक मैं मोटा सा कपड़ा डाल दूंगी ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक हो जाए और सारी हीट अंदर ही रहे। इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी और उसको मैं 30 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और आइए अब मैं केक को चेक कर लेती हूँ। केक को आपको जब भी चेक करना हो आप केक के दरमियान में से इसको हमेशा चेक किया करें, उससे हमें बिल्कुल परफेक्ट पता लगता है कि केक पक चुका है कि नहीं। और ये देखें स्टिक बिल्कुल साफ बाहर आई है तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं केक को मोल्ड से थोड़ा सा अलहदा कर लूंगी। ताकि केक हमारा इजीली बाहर आ सके। अब मोल्ड को मैं पलट दूंगी और केक को बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए कितना इजीली हमारा केक बाहर आ गया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी तैयार हुआ है। ये बेकरी से बहुत ज़्यादा अच्छा केक बना है हमारा, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है घर में। आप आज ही मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने टी टाइम को एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।